नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के थाना बी डिवीजन के नजदीक चोरों ने एक मंदिर को बनाया निशाना। मूर्तियों पर चढ़े आभूषण, वस्त्र और गले से नकदी चोरी कर हुए फरार। अमृतसर के भंडारी पुल पर हादसे में मारे गए युवक का शव रखकर पारिवारिक सदस्यों ने किया रोष प्रदर्शन। डीसीपी के आश्वासन के बाद उठाया धरना। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने रावी दरिया पर बाढ़ संबंधी किए जाने वाले प्रबंधों का लिया जायजा। कहा, बाढ़ प्रभावित हर व्यक्ति को दी जाएगी उचित सहायता। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के थाना बी डिवीजन सुल्तानविंड चौक थाने के बिल्कुल सामने 50 मीटर की दूरी पर स्थित मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। बड़ी बात यह है कि मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर ही पुलिस थाना है और चोरों ने बिना पुलिस के डर के मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। इस दौरान चोरों की ओर से मंदिर के अंदर पड़ी मूर्तियों के साथ बेअदबी भी की गई। इस मौके पर मंदिर के श्रद्धालुओं ने कहा कि ये सनातन धर्म का मंदिर है। इस मंदिर से हर धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जिसके चलते उनकी धार्मिक भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंची है। उन्होंने बताया कि चोरों ने मंदिर में दाखिल होकर देवी देवताओं के गहने और वस्त्र उतार लिए और गुल्लक को तोड़कर उसमें पैसे भी चोरी कर लिए। उन्होंने बताया कि चोरों द्वारा चोरी करने से पहले मंदिर में नशा भी किया गया और ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसलिए वे पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि उक्त चोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं थाना बी डिवीजन के अधिकारी शिव दर्शन सिंह ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि सनातन धर्म मंदिर में चोरों की ओर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। उनकी ओर से जांच टीम बना दी गई है। जल्द से जल्द चोरों को काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो, यह बहुत ही मंदभागी घटना हुई है, क्योंकि बहुत ही प्राचीन मंदिर है वा। इस मंदिर दे विच हर धर्म के लोगों की आस्था है, हर एक धर्म का बंदा आके नतमस्तक होंदा वा। आ जिहड़ी चोरी हुई है, इहदे नाल सारे ही धर्मां दीआं, मैं कल्ला हिंदू धर्म की नहीं गल करांगा, हर एक धर्म दे आस्था नूं ठेस पहुंची आ। तो वेखो किड्डी होशी हरकत की है कि एडे प्राचीन मंदिर दे विच बह के सब तो पहला उन्होंने नशा किया, तो जो भी चिट्टा चुट्टा जो भी पीता उन्होंने पेपर से वो नशा पीता, फिर उहदे बाद चोरी नूं अंजाम दिता। जिहड़ी माँ दुर्गा जी की सरूप हैगा सी, उहनूं भी जिहड़े वस्त्र पाए सी वो वस्त्र उतार के वो सारी जिहड़ी महाराणी का सरूप हैगा सी उहनूं चोरी कर गया। बहुत मंदभागी घटना वा, तो पंजाब सरकार तो ही बेनती करते हैं कि कोई इदा का कानून लिया जाए कि जिदे जो बेअदबियां करते इन उत्ते ठल पै सके, तो कोई इदा का एक्ट करके। तो अभी पुलिस प्रशासन तो भी बेनती करते हैं कि इन्हों के उत्ते जो चोरी का मुकदमा दर्ज वो तो करन ही करन, 295 भी ऐड कर। सर एल ई डी लै गए, महाराणी का सरूप लै गए, एक गला लै गए, और जोड़ा बड़ा गला है वो थोड़ा हार्ड लोहा होने के कारण इन्हों को टुट नहीं सकया, वो रह गया। बाकी 7-8 हज़ार रुपये जो दूसरा गला है शनिदेव महाराज जी मंदिर के लै चुके। परसों रात 1 to 3 बजे दरम्यान जो सुल्तान मंडल चौंक के मंदिर है वो चोरी हुई सी। दो व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में आते हैं, असं इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों की शिनाख्त करके जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। सर की कुछ लै गए अंदरों? अंदरों एक मूर्ति लै गए, एल सी डी लै गए, कुछ गोल्क पैसे वो लै गए। सर सीसीटीवी आई सामने जी? हाँ, सीसीटीवी फुटेज सू मिल गई है, उस तो जल्दी दोषियों की शिनाख्त करके तो काबू किया जाएगा। कुछ मुंडिया बारे दसिया भी गया मंदिर कमेटी? हाँ, सस्पेक्टेड बंदे दसे हैं, वेरीफाई करांगे, जल्दी ट्रेस करांगे इसके। अमृतसर के भंडारी पुल पर सड़क हादसे में मारे गए एक नौजवान के पारिवारिक सदस्यों की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव को सड़क पर रखकर धरना लगा दिया गया, जिसके बाद डीसीपी परमिंदर सिंह भंडाल की ओर से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर इस धरने को समाप्त करवाया गया। इस मौके पर डीसीपी भंडाल ने बताया कि उन्होंने इस मामले संबंधी एसीपी वरिंदर खोसा की अगुवाई में टीम गठित कर दी है, जो सारे मामले की गंभीरता से जांच करेगी और जल्द ही आरोपी व उसके द्वारा इस्तेमाल की गई कार को काबू कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे चौक में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी चेक की जा रही है। गौरतलब रहे कि गत 19 जून को उक्त नौजवान का इस पुल के नजदीक हादसा हो गया था और वह 3 सप्ताह से उपचाराधीन था, जिसकी सुबह मौत हो गई, जिसके चलते पारिवारिक सदस्यों और रिश्तेदारों ने इकट्ठा होकर भंडारी पुल पर धरना लगा दिया,
जिस कारण पूरे शहर का ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हो गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। और परिवार वालों ये सी भी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली अभी तक, जिदा करके उन्होंने अज इतने जरा अपनी बॉडी में जाके रखा। और मैं ये स्पैशल अज अपने ACP नॉर्थ में बुला के असं परिवार के कोई भी उन्होंने लड़के के यार दोस्त नाल लैके जिथे जिथे भी कहेंगे आप सीसीटीवी फुटेज कढ़ावे। और इस तों अलावा एज इंसानियत परिवार की वक्री हैल्प भी करा। DC साहब ना तालमेल करके गरीब परिवार सीगा उन्होंने करके ये एक्सीडेंट केस संबंधी जी कोई होर भी कोई मुआवजा मिले वो भी परिवार को दवा। देखो ऑलरेडी हों की है ये गल बैठ के भी हो सकती सी, पर जे इस परिवार का कोई बच्चा चले जाता बड़ा दुख हों तो उन्होंने ये लगा शायद किसी ने दसा भी आप इतने ला दीए तो आलू अगर ये होस्पिटल भी उत्थे केंद्र तो अभी उत्थे भी जाके साडे सीनियर अफसर जाके जां मैं खुद आप जाके उत्थे भी इन्हों मसला असं हल कर लेना सी। पर थोड़ा जा चलो ऐज जे लै भी आए तो ऐज इंसानियत हूँ टाइम इदा का आ भी आप परिवार के नाल भी हमदर्द होना। गांव घोनेवाल जो कि रावी दरिया के किनारे अमृतसर जिले का आखिरी गांव है, दरिया में पानी के स्तर और संभावित बाढ़ संबंधी किए जाने वाले प्रबंधों का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों की सरकार है और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति की मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि उज दरिया में 2 लाख क्यूसिक पानी छोड़ने के बाद मकोड़ा पत्तन के नज़दीक उज दरिया का पानी रावी दरिया में आकर मिल गया है। रावी दरिया में उज दरिया का पानी मिलने के बाद रावी दरिया में पानी का स्तर बढ़ गया है, ऐसे में रावी दरिया के नज़दीक जाना खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने रावी दरिया के नज़दीक रहते लोगों से अपील की है कि वे रावी दरिया से दूर सुरक्षित जगह पर चले जाएँ। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर अमित तलवार ने जिला प्रशासन के अधिकारियों और रावी दरिया के साथ लगते गांवों को भी सतर्क रहने के लिए कहा है और किसी भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने पर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के नंबर 01832229125 पर संपर्क करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इस समय कोई खतरे वाली स्थिति नहीं है लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर SDM अरविंदर पाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कोनेल पिंड है नाले हल्के दे विच लास्ट पिंड अमृतसर का भी इधर गुरदासपुर शुरू हो जाता और साडे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने अज हदायत दित्तियां साडे सब MLA मंत्रियों नूं क्योंकि बहुत ज्यादा मीह पंजाब दे कई हिस्सों च पै गया। कुदरती कुदरत ने रंग ने अजे अगले दिन च वी कहिंदे मीह पैणा है। उहदे प्रबंधां लई असीं मतलब जिहड़ा आए हां कि साडे लोकां दा साडियां फसलां दा किसे दा कोई जानी नुकसान ना हो जाए उहदे वास्ते DC साहब SDM साहब तहसीलदार साहब सब नूं नाल लै के आए हां कि इक तां वेख लईए सारा कुछ जे कोई प्रॉब्लम आया तो जो कुछ समस्या उन्होंने हुने ही दूर कर लिए अगाऊ दूर कर लिए। पहलियां सरकारां च लीडर उदो आउंदे जदो हाड़ आ जांदा सी, सब कुछ उधर उधर जांदे सी लोग, उदो मुड़ के लीडर महीने के बाद आउंदे सीगे। अज ही अलर्ट आया, अज सवेरे रावी दरिया का अलर्ट आया जी, खतरे के निशान तो उत्ते चल गया ते पानी आ जाना। मैनू भी अज सवेरे 10 बजे कॉल आई कि जी पानी आ रहा, तो मैं उस वेले SDM साहब तहसीलदार सब नूं भेजा, आप ही हुण मौके ते आ गए क्योंकि कहते 4:30 तक आ सकता ते वो पानी आ रहा टाइम बे टाइम वध रहा। पर कुदरत सच्चे पातशाह महाराज मेहर करूगा कि साडियां फसलां बच जाण, साडे कोई जानी नुकसान ना होवे। मैं प्रतिपाल सिंह जी पिंड घोनेवाल का सरपंच, तो सवेर तो ही अलर्ट प्रशासन ने किया होया सी कि रावी दरिया दे विच जिहड़ा वा वो 3 लाख क्यूसक जिहड़ा पानी छड्डिया गया वा, उस दे नाल नाल ही साडे हलके दे मंत्री सरदार कुलदीप सिंह धारीवाल वह भी अपना चेचे इत्थे पहुंचे ने अपना मौका देखने लई, तो अपना सारे अफसर भी जिहड़े पहुंचे इत्थे। साडे वल्लों तो इहो ही प्रार्थना गुरु महाराज अगे हर कते मेहर रखे तो हर नूं चढ़दियां कलां ही रखे क्योंकि हर साल जिहड़ी बरसात कुदरत दा जिहड़ा कुदरत ने जिहड़ा काम करना उह ते अपना करना ही आ, बाकी कोई एड्डी डर वाली भी गल नहीं हैगी। हर साल ही पानी जिहड़ा वा आउंदा वा ते जिहड़े नीवें थावां उहनां नूं भी बेनती आ भी सारे जिहड़े उच्ची हो जाओ, कोई डरन वाली गल नहीं हैगी, जे कुदरत ने जो भी करना बिल्कुल सही करना वा। बाकी प्रशासन दा पत्रकार साहब सारे तुसीं आ जिहड़े तुहाडा भी धन्नवाद आ जिहड़ा तुसीं इत्थे जिहड़े बार्डर दे लागे लागे पिंड आ उहनां दी सार लैण आउंदे हो। संगरूर में घग्गर नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कल रात से सुबह 11 बजे तक 11 फीट से ज्यादा घग्गर में पानी का स्तर बढ़ गया है। कल रात 8 बजे घग्गर का जल स्तर 728.2 फीट था जो अब बढ़कर 739 फीट तक पहुंच गया है।
गौरतलब रहे कि घग्गर नदी संगरूर के मूनक खनोरी के आसपास के इलाकों में तबाही का बड़ा कारण बनती है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की जितर जी जो गर्दा पानी है हम इस टाइम चल रहा है इस दे नाल की स्थिति लग रही है जी। देखो इदा जी सवेर का 5-4 फुट बढ़ गया जी, पहला 735 ने सवेर का 5-4 घंटे 740 ने चल गया, जोड़ा कि 750 तो बाद खतरे तो हो जाता है जी। तो लोगों के पूरा सहन का माहौल बनया क्योंकि इन फसल पालिया लोगों ने खर्चे किए हुए ने, तो बहुत ही दुखदाई घटना क्योंकि पिछे पानी कहें भी बहुत छड़िया हो घग्गर के उस हिसाब न लोगों का सहम का माहौल बनया हुआ जी। तो असी बस 15 मिनट होए जी आए हैं घग्गर के आने जी, साढ़े वेंद्या तकरीबन 1 फुट पानी चढ़ गया, ये नाल लाओ साहब जी तुम हम आप झोना लाया एक बार मसा लवाई दी 5-5 हज़ार रुपया लवाई दे के लाया है जी आप, हम जो दोबारा किसानों लाना पै गया बहुत मतलब ये फसलों का खतरा है जी। ये वास्ते सरकार भी ये वास्ते की कर सकती है जी, ये कुदरती आफत है, बाकी सरकार को सोचना चाहिए। ये मनदीप जी जो घग्गर का जो पानी का सतर है किन्ने फुट तक जाके इतने खतरे से पहुँचता है? ये 50 फुट उत्ते खतरा ही खतरा है जी। अमृतसर के ब्लॉक जंडियाला गुरु के अधीन आते गांव धारण में भारी बारिश के कारण किसानों की लगभग 400 एकड़ धान और मक्की की फसल खराब हो गई है। गांव में पानी का निकास ना होने के कारण छप्पड़ का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिस कारण कई गरीब लोगों के घर भी ढह गए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री पंजाब हरभजन सिंह ईटीओ की ओर से गाँव धारण का दौरा किया गया और गाँव वासियों को विश्वास दिलाया गया कि वे गाँव के पानी के निकास का हल पहल के आधार पर करेंगे। इस मौके पर जिलाधीश अमृतसर ने लोगों को आश्वासन दिलाया कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, रावी दरिया के नजदीक निचले इलाकों में कोई भी व्यक्ति न जाए, अगर वहां पर कोई रहता है तो वे अपने परिवार और मवेशियों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चला जाए। उन्होंने कहा कि गांव धारण में पानी के निकास का टेम्परेरी प्रबंध कर दिया गया है और जल्द ही इसका पक्का हल भी कर दिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। भारी बारिश जी पंजाब के वख-वख इलाकों के हो रही है, जिदे करके सिचुएशन जी काफ़ी खराब हुई पई आ। साढ़े आ देखो इधर सारे झोने भी जोड़े लग गए थे, डुबे पे ने, वटा भी नहीं दिखाई दे रही। खास तौर पर जरा बारिश उपरली साइड से हो रही है पठानकोट के हिमाचल के वह पानी का फ्लो जरा इधर आ रहा। अज पिंड धारण के भी इस तरह की समस्या जी बनी आ कि पानी जरा काफ़ी पैलिया के आ चुका है। इतने जरा छप्पड़ सगा पानी आ के तो उस अगे एग्जिट जरा नहीं है। हूँ साढ़े नाल साढ़े डीसी साहब श्री अमृत तलवार जी, साढ़े SDM साहब, साढ़े DDPO साहब, सारे अधिकारी तहसीलदार साहब इतने पहुँचे ने। असी फिलहाल यदा जरा पानी की निकासी का काम जरा वो रोई वाल शुरू करवा दिता है, फिलहाल पानी निकल रहा है, पर यह पक्का प्रबंध जरा आने वाले समय के किया जाऊगा। जड़ी जनता एग्जिट वाला नाला है वो थोड़ी इनक्रोचमेंट होने करके रस्ता जरा घट रह गया, सो आने वाले समय के पंचायत की जमीन लेके उन होर चौड़ा जरा चौड़ा तो डूंगा कर देंगे ता कि आने वाले समय के समस्या जी 11 फुट ठीक है। गल कि 11 फुट का रस्ता से कोई कुछ लोगों ने अपने घर बना ले ने, पर असी वह भी बड़े गरीब परिवार ने जिन्होंने अपने उत्थे घर बनाए ने। असी इनू थोड़े समय के जमें ही सिचुएशन ठीक होंगी साढ़े को नाल दे नाल पंचायत की पैली जी हो रही है उन्होंने असी उधर वधा के असी 11 फुट पूरा जरा करते हैं। मौसम विभाग के वालों भी अलर्ट जारी किया गया वा? मौसम विभाग वालों बिल्कुल अलर्ट जारी किया गया, हूँ भी तुम देखो बदल जड़े ने मंडरा रहे हैं, बदल काफ़ी आए हुए हैं, सो साड़ी पूरी तरह जड़ी आ तैयारी आ। डी साहब पूरे इलाके के इन्होंने तिखी नज़र जी रखी हुई है। ये जो फ्लड की प्रिपेयरनेस का सा जून के ना प्लैन बन जाता, कंट्रोल रूम साढ़े सारे एक्टिव आ 15 जून तो ड्यूटियां 24 घंटे चलदिया ने, तो SR डिवीजन लैवल से डिस्ट्रिक्ट लैवल से लिस्टा भी बनिया वो जड़िया जिमें जो वो वास्ते जरूरी एक तो अलर्ट सिस्टम हो गया वो भी अलर्ट टाइम पर आ जाता जिमें रावी वाले पासे अज अलर्ट हैगा 3-4 बजे पानी आना है, उज रिवर का पानी बिच रावी छड़िया सवेरे तो उहदे करके असी जिहड़े नीवे इलाके आ जां परले पासे जाण तों अज मना कीता है। सो मैं अपील भी करूँगा थोड़े राही चैनल राही कि लोग उधरले पासे ना जाण, साडे पटवारी फील्ड अमला सारा फील्ड दे विच लोकां नूं इस करी जागरूक कर रहे हैं भी परले पासे नहीं जाना,
ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਆ ਡੰਗਰ ਆ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਆ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇੜੇ ਆ ਮਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲੁਸਟਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਲਾ ਸਰ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਦੋ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਡਰੇਨ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗਾਂਹ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਵੜਾਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟੇਕ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ਬੀਬੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਲਦਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਠੇ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਇੰਨੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਛੱਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ। 6MD ਚੈਸ ਕਲੱਬ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਪਹਿਲਾ ਚੈਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬੰਬੇ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਮੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਬੜ ਚੜ ਕਰ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਪਰਿਹਾਰ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਰਹੇ ਛਾਤਰੋਂ ਕੋ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਨਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਹਿਲ ਸਹਿਤ ਕਲੱਬ ਕੇ ਸਭੀ ਸਦੱਸਯ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਰਤ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਨਿਆਸ ਪਤੰਜਲੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੁਧੀਰ ਸਕਸੇਨਾ ਔਰ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਦੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਦਿਓਲ ਨਗਰ ਮੇ ਜੋ 3 ਦਿਵਸੀਯ ਸ਼ਿਵਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੇ ਰਾਜਯ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੌਕਰੀਆ, ਯੋਗ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਕਵਿਤਾ ਕੱਕੜ, ਰੋਜ਼ੀ ਛਾਬੜਾ, ਮਹਿਲਾ ਪਤੰਜਲੀ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸਰੋਜ ਬਾਲਾ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਧਕੋ ਕੋ ਆਸਨ ਕਰਵਾ ਕਰ ਉਸਕੇ ਲਾਭ ਬਤਾਏ ਔਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੌਕਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਵਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕੋ ਰੋਗ ਸੇ ਕੈਸੇ ਮੁਕਤ ਰੱਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਉਸਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਿਵਿਰ ਮੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੁਗ, ਦਾਸ ਮਹੇਸ਼, ਸੁਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਦਿਓਲ ਨਗਰ ਕੇ ਸਾਧਕੋ ਨੇ ਭਾਗ ਲੇਕਰ ਇਸਕਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਅੰਤ ਮੇ ਦਿਓਲ ਨਗਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵਿਰ ਮੇ ਆਏ ਗਣਮਾਨਯ ਵਿਅਕਤੀਓਂ ਕੋ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਦੇ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਆ ਤਥਾ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਭੀ ਕੋ ਯੋਗ ਸੇ ਜੁੜਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਔਰ ਸਭ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਯੋਗੀ ਅਭੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਭੀ ਇਸਕੇ ਇਨਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਯਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਕਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਯੋਗ ਕਕਸ਼ਾ ਕੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਯੋਗ ਕਕਸ਼ਾ ਚਲਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਧੀਰ ਸਕਸੇਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਯੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਜੋਤ ਕੋ ਆਪ ਜਗਤੀ ਰਹੇ, ਧੰਨਵਾਦ। संगरूर में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर काले कपड़े और हाथों में काले गुब्बारे लेकर पहुंची। इस दौरान आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार की ओर से आने वाला 60% मान भत्ता उन्हें नहीं मिल रहा, इसलिए उन्होंने मांग की है कि इसे जल्द से जल्द जारी किया जाए। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। सावन माह के पहले सोमवार के उपलक्ष्य में सुमंत शर्मा परिवार की ओर से शिव मंदिर पहाड़ी वाला उजाला नगर जालंधर के बाहर ठंडे मीठे जल की छबील लगाई गई। इस मौके पर उन्होंने सभी शिव भक्तों को सावन माह की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर ज्योति, आलोक, स्नेहा, वंश, आराध्या, शिवम, सोनू, लक्की सहित असंख्य शिव भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। आज सावन दे पहले सोमवार आज भोले शंकर का दिन है, तो ठंडे पानी की छबील आज लगाई गई है। बहुत सारे लोग आए ठंडे पानी की छबील लगा पी के जा रहे हैं, तो भोले शंकर की पूरी कृपा जी। सावन महीना शुरू हो चुका है,
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ ਛਬੀਲਾ ਲਗਾਣ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਾਨ ਬੋਲੋ ਜੈ ਬੋਲੇ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक रमन ढल्ला पाटी ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल, लेखक रमेश शौंकी, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल और विनोद शर्मा ने भजन पार्टियों को मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध गायक राजन राज खुशप्रीत एंड पार्टी करतारपुर वालों ने मां की महिमा का गुणगान